हां सर नहीं नहीं एक्स्ट्रा वैल्यू 7 है एक्स्ट्रा वैल्यू 7 है वो बिना होते चले गए एक्स्ट्रा वैल्यू 7 कैसे हुआ एक्स्ट्रा वैल्यू छूट गई आपने कल कुछ तो ये बताया मैंने क्या बताया था कल प्रॉपर्टी कुछ तो पता चलो चलो ये 20 क्वेश्चन है आधे मिनट सॉल्व होना चाहिए सो ऑब्जर्व दिस 4 5 6 एंड x राइट 4 5 6 एंड x देन व्हाट 5 6 7 y हां ऐसे चलेगा बाकी क्या 6 7 8 6 7 8 एंड z और यहाँ पे एक्स वाई जेड जीरो इसका डिटरमिनेंट कितना ठीक है दिस व्हाट इज आस्किंग नाउ व्हाट इज टोल्ड अबाउट द टर्म्स एक्स वाई एंड जेड एक्स वाई जेड आर इन एन एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सो शुड आई नॉट बी सेइंग दैट वाई माइनस एक्स मस्ट बी इक्वल टू जेड माइनस वाई डिफरेंस इज कॉन्स्टेंट राइट फॉर टर्म्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन डिफरेंस मस्ट बी कॉन्स्टेंट ठीक है और एक बहुत मजेदार खेल क्या दिख रहा है यहाँ पे अगर ये C1 पकड़ा ये C2 पकड़ा ये C3 और ये C4 कैन आई डू C2 माइनस C1 एंड C3 माइनस C2 तो पहला तुम C2 माइनस C1 मत करो क्योंकि फिर C2 चेंज हो जाएगा तो पहला C3 माइनस C2 कर दो 6 माइनस 5 7 माइनस 6 8 माइनस 7 और Z माइनस Y बराबर जेड माइनस वाई लिखो वाई माइनस जेड लिखो ज्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला है ठीक है जेड माइनस वाई यहाँ पे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा एक्स वाई जेड जीरो आएगा अब तुम सी टू माइनस सी वन भी कर दो फाइव माइनस फोर सिक्स माइनस फाइव सेवन माइनस सिक्स एंड वाई माइनस एक्स सबको समझा क्या एंड देन फोर फाइव सिक्स एंड एक्स व्हाट कैन यू से अबाउट दिस कॉलम्स है ना आइडेंटिकल ये हमको पता है वाई माइनस एक्स और जेड माइनस वाई सेम है y minus x or z minus y same then the two columns become if the two columns are identical value of the determinant is zero oh yeah समझ में आया yes, 2 minutes isn't it all takes सिर्फ तुमको ना वो statement पकड़ने के लिए आना चाहिए कि अरे कौन सा question है क्या information दिया हो ठीक है चलो if you want to complete complete quickly let's move ahead क्या बोल रहे synopsis पे क्या यही तो है जो हमने सीखा वही है determinants properties ठीक है नया कुछ आएगा बताऊंगा गुड वाली अगला क्वेश्चन का आंसर जीरो था ना सॉल्व कर लिया था हम लोगों ने लास्ट टाइम इजंट इट ओके थर्ड इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 So value of this determinant is how much is the question asked. ठीक है and some options are given to us. Should we begin with the question? क्या लगता है तुमको? What can you do in this question? Separate कर देंगे. कैसे? हाँ ठीक है. Very good. बाकी लोगों का ध्यान है क्या उधर? Voice. So, instead of doing separation like this, observation is very important. Observation का बहुत तुमको फायदा करेगा. अगर मैंने ऐसा लिख दिया, चलेगा क्या? अभी भी सही है क्या?
अभी सेम है क्या? कुछ नहीं किया मैंने, ठीक है आगे पीछे लिख दिया है, ऐसे लिखने का फायदा समझ में आ रहा है? मैंने नंबर्स को इंटरचेंज कर दिया तो ये रूट 13, व्हाट कैन यू राइट अबाउट रूट 26 एज लेटर ऑन? रूट 13 इनटू रूट 2 लिख सकते हैं कि नहीं? और बाद में रूट ऑफ 65 को क्या लिख सकते हैं? रूट ऑफ 5 इनटू रूट ऑफ 13 लिख सकते हैं। बात समझ में आया सबको? यहाँ पे रूट 3 है, यहाँ पे रूट 15 है जो कि रूट 5 इनटू रूट 3 होता है, और ये रूट 3 इनटू रूट 3 हो सकता है। बात समझा? ठीक है, सो देयर कैन बी एन एडवांटेज ऑफ इंटरचेंजिंग द नंबर्स। मैंने नंबर्स को इंटरचेंज कर दिया, अब मैं सेपरेट कर दूंगा ऑब्वियसली, ठीक है। सो रूट 13 इज गोइंग टू कम, रूट ऑफ 26 इज व्हाट? रूट ऑफ 13 इनटू रूट ऑफ 2 बराबर क्या? एंड रूट ऑफ 65 इज रूट ऑफ 13 इनटू रूट ऑफ 5। डिड यू गेट दिस? समझा? ठीक है, दूसरा आएगा 2 रूट 5, आगे क्या है? 5 विच इज रूट 5 इनटू रूट 5 है क्या? आगे रूट 15 विच इज रूट 5 इनटू रूट ऑफ 3। Have you understood this? और उसके आगे क्या है? रूट ऑफ 5, रूट ऑफ 10 को क्या लिख सकता है? रूट ऑफ 5 इनटू रूट ऑफ 2, और 5 हम लोग लिखेंगे रूट 5 इनटू रूट 5। ये पहला डिटरमिनेंट जिसमें मैंने ये वाला टर्म्स लिखा हुआ है, करेक्ट? ठीक है, दूसरा क्या आने वाला है? प्लस, व्हाट इज द नेक्स्ट डिटरमिनेंट? रूट ऑफ 3, रूट ऑफ 15 इज व्हाट? रूट ऑफ 5 इनटू रूट ऑफ 3, एंड 3 इज रूट 3 इनटू रूट 3। आगे क्या? सेम ना, 2 रूट 5, बस ये कॉपी करने का है, रूट 5 इंटू रूट 5 एंड देन रूट 5 इंटू रूट 3, देन अगेन रूट 5, रूट 5 इंटू रूट 2, रूट 5 इंटू रूट ऑफ 5 डिटरमिनेंट। ठीक है, सो ऑब्वियसली पहले वाले कॉलम में से क्या कॉमन है? रूट 13, सो आई कैन टेक आउट रूट 13 कॉमन। दूसरे वाले कॉलम से क्या कॉमन है? रूट 5, आई टेक आउट रूट 5 कॉमन। तीसरे वाले कॉलम से क्या कॉमन है? फिर से रूट 5 कॉमन है। व्हाट इज लेफ्ट विद द फर्स्ट डिटरमिनेंट? 1 रूट 2 रूट 5, दूसरे वाले में से 2 रूट 5 एंड रूट 3, तीसरे वाले में से 1 रूट 2 रूट 5। वेरी गुड, व्हाट कैन यू से अबाउट दिस डिटरमिनेंट? अनुराज बताओ कैसे? दो आइडेंटिकल कॉलम्स है, कौन से कॉलम्स? फर्स्ट एंड थर्ड। वेरी गुड, इसका बताओ अभी क्या हल होगा? रूट 3 कॉमन। किधर से? फर्स्ट कॉलम। वेरी गुड, रूट 3 इज कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट कॉलम। सेकंड में से? रूट 5। वेरी गुड, चलो ध्यान है तुम्हारा, रूट 5। थर्ड में से? रूट 5। अरे वाह, वेरी गुड, क्या बच गया? रूट 5, रूट 3, रूट 3, ठीक है। दूसरे में? 2, रूट 5, रूट 5, रूट 3, रूट 3। तीसरे में? 1, रूट 2, रूट 2, रूट 5 एंड रूट 5, ठीक है। चलो फिवर, हैव यू अंडरस्टूड सो फार? यस सर। ठीक है, तो ये तो जीरो हो जाएगा, ये तो जीरो नहीं होने वाला है, सॉल्व कर सकते हो? ठीक है, मैं थोड़ा और आसान कर देता हूं। कैन आई डू मे बी C2 - C1? अभी रूट रूट लेना, मेरे को ऐसा बहुत मजा नहीं आ रहा है सॉल्व करने के लिए, तो मैं C2 - C1 कर देता हूं। उसका फायदा समझ में आ रहा है? अच्छा, ये आंसर रूट 15 हो गया क्या? नहीं, 5√3 हो गया क्या? यस सर। ये आंसर 5√3 हो गया क्या? अच्छा, कोई है क्या ऑप्शन इसमें 5√3 दिख रहा है? बाहर ब्रैकेट के बैठा हुआ 5√3 दिख रहा है? ऑप्शन 2। कहीं पे नन ऑफ दिस ऑप्शन है क्या? नहीं। बस हो गया, वो तुम्हारा आंसर है, आगे जाने का जरूरत नहीं है। यही शॉर्टकट होता है भाई, इसके आगे अलावा दूसरा कोई और शॉर्टकट नहीं रहता। फिर भी हम आगे जाएंगे, डिटरमिनेंट सॉल्व करके देखेंगे और आंसर कंफर्म कर लेंगे कि वही है कि नहीं। ठीक है, सो मैं C2 - C1 कर रहा हूँ, व्हाट एम आई गोइंग टू गेट? सो आई गेट 1√5 एंड रूट 3। डू आई गेट 0? नो, नॉट 0, सॉरी, आई गेट 2 - 1 विच इज 1। इज दैट राइट? Then I do root 5 minus root 5 which is 0. I do root 3 minus root 3 which is 0. And then 1, root 2 and root 5. कितना मजा ना, देखो 2 0 आ गया।
9 दो जीरो आ गया, मिडल टर्म छोड़ के बाकी दोनों के आंसर जीरो होने वाले, बराबर कि नहीं? 1 मल्टीप्लाइज में 0 0 गया, फिर माइनस 1 मल्टीप्लाइज में इधर आंसर आएगा, समझा ना? ये नया शॉर्टकट, बात समझ में आ रहा है क्या? तो ये डेवलप होगा कैसे, धीरे धीरे, समझा? जब तुम बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब पता चलेगा, अरे इन दोनों को सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है, पहला वाला और तीसरा वाला सॉल्व करने का जरूरत है क्या? सिर्फ मिडल टर्म सॉल्व करेंगे जो माइनस साइन के साथ आता है। सो आई विल गेट 5√3 मल्टीप्लाइड विद माइनस 1 इनटू √5 इज 5 माइनस √6 बराबर ना, 5 माइनस √6 माइनस को अंदर भेज दो, सो आई गेट 5√3 इनटू √6 माइनस 5, इज दैट द आंसर? यस सर, समझा सबको? यस सर, दिस वाज नॉट नीडेड, कैन यू अंडरस्टैंड दैट? यहां पे आंसर मिल गया, तो आप देखो हमारे में ना 5√3 जैसे दिख गया डिटरमिनेंट के बाद 5√3 है, तो ये तो पता चल गया था कि आंसर में 5√3 आना चाहिए, देयर वाज ओनली वन ऑप्शन व्हिच कंटेन 5√3, बात सबको समझ में आया? अब दूसरा शॉर्टकट सुनो, सपोज दो ऑप्शन में 5√3 है, तो अब ये कंफर्म है कि इन दोनों में से कोई एक आंसर रहेगा। सपोज तुमको क्वेश्चन कुछ भी किया आ ही नहीं रहा है, ठीक है, तुम यहां तक कैसे जैसे जैसे पहुंच गए 5√3 तक पहुंच गए, अब 50% चांस है तुम अगर तुक्का मार के आया तो राइट आने का, और गेटिंग इट 50% चांस है, और उसमें मैं बताता हूँ 50% चांस कहां पे लेने का, जो भी ऑप्शन बी और सी में रहता है जनरली उधर आंसर रहता है, जनरली या हर बार नहीं, और उसमें भी 90% टाइम सी पे रहता है, यहां पे किधर था? बी पे था, तो ये 10% वाले में आ गए, ठीक है, लेकिन हमको यहां पे पता चल गया कि 5√3 आंसर था। तो कभी कभी ऐसा होगा कि दो आंसर्स बहुत सिमिलर लगेंगे, तो जब दो आंसर सिमिलर दिखते हैं तो आंसर उसमें से एक रहता है, और अगर कहीं वो ऑप्शन सी पे बैठा हुआ है तो जनरली सी पे आंसर रहता है, ठीक है। सो दिस इज अ जनरल स्ट्रेटजी, बट नॉट ऑलवेज, कभी कभी फंस जाएगा इसमें, ठीक है, सब सारे सारे इसमें अप्लाई होता है, ठीक है, ये सब में अप्लाई होता है। और देखो सपोज तुम ऐसा सोच गया कि नहीं मैं अभी तो कुछ आता तो है नहीं, मैं सब एक ही ऑप्शन मार्क करके आ जाएगा, जनरली स्पीकिंग इट इज यूजुअली अराउंड 20-25% फॉर एवरी ऑप्शन, मतलब 30 में से 25% क्वेश्चन, मतलब 7-8 क्वेश्चन ऑप्शन ए पे रहेंगे, 7-8 क्वेश्चन ऑप्शन बी पे रहेंगे, 7-8 क्वेश्चन सी पे रहेंगे, 7-8 क्वेश्चन डी पे रहेंगे, जनरली स्पीकिंग, राइट, ये बाद में बोलना मत रिकॉर्डिंग में है करके, ठीक है। सो हाँ हाँ पॉज कर सकते हो, यस पॉज पॉज।